सांस्कृतिक परिवेश, तरह तरह के परिधान, तरह तरह के वेश, सदियों से एक समृद्ध सामाजिक संस्कृति का केंद्र बना हुआ है भारत। और हम सब भारतवासी, हमें जोड़ती है हमारी भाषा हिंदी, देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली। सोचिए इसकी ताकत क्या है जिसे कहते हैं हिंदी। सबसे पहले हमें याद रखना होगा कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में आजादी की चिंगारी का काम इसी हिंदी ने किया। यहीं से हिंदी ने अपनी राष्ट्रभक्ति की भूमिका को निभाना शुरू किया। चारों ओर राष्ट्रभक्ति की हिंदी खूब लड़ी। झांसी वाली रानी हिंदी वाली रानी थी। औपनिवेशिक साम्राज्यवादी और देशी सामंतवादी शोषण के विरुद्ध लड़ती रही हिंदी। कविता, कहानी, उपन्यासों और आलेखों के जरिए, गांधी जी के सत्याग्रह के जरिए पूरे देश में गूंजते थे संसार। हिंदी और इसकी बोलियों के महत्व को पहचान रहा है। कोई प्रांत हो, कोई रंग, कोई वर्ण, कोई धर्म, सबके बीच संवाद की भाषा है हिंदी, संप्रेषण की भाषा है हिंदी। 50 वर्ष पहले 19 मार्च 1960 को केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल की स्थापना हुई थी और सन 1963 में इसके अंतर्गत केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थापित हुआ। मुख्यालय बना आगरा में। देश में एक एक करके 8 केंद्र खोले गए। दिल्ली केंद्र 1970 से भारत सरकार के अहिंदी भाषी अधिकारियों के गहन हिंदी शिक्षण के लिए काम कर रहा है। पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अध्यापकों को प्रशिक्षण दे रहा है। इनके साथ विश्व के 80 से अधिक देशों के छात्रों को हिंदी सिखा रहा है। पूर्वोत्तर भारत में संस्थान के शिलांग, गुवाहाटी और दीमापुर केंद्रों द्वारा न सिर्फ अध्यापकों को हिंदी में प्रशिक्षित किया जा रहा है बल्कि खासी, अंगामी और मिजोऊ जैसी क्षेत्रीय भाषाओं को हिंदी के साथ जोड़ने का उद्यम किया जा रहा है। अहमदाबाद केंद्र ने गुजरात, महाराष्ट्र और दमन दीव में हिंदी के प्रचार और प्रसार को गति दी है। उत्कल की सस्य श्यामला भूमि में हिंदी की उर्वरता को बढ़ाने का कार्य भुवनेश्वर केंद्र कर रहा है। दक्षिण भारत में 2 केंद्र हैं, पहला हैदराबाद में और दूसरा मैसूर केंद्र। दक्षिण भारत से लेकर अंडमान निकोबार द्वीप तक वहां की संस्कृतियों को हिंदी से जोड़ने में पुल का काम कर रहा है। 80 से अधिक देशों के हजारों विद्यार्थी संस्थान से हिंदी सीखकर अपने अपने देश में हिंदी के अघोषित सांस्कृतिक राजदूत बनकर हिंदी और भारत का नाम ऊंचा कर रहे हैं। देश की अग्रणी नेता श्रीमती सोनिया गांधी भी संस्थान में हिंदी सीख चुकी हैं। संस्थान हिंदी के बहुआयामी विकास के लिए क्रांतिकारी परियोजनाएं संचालित करता आ रहा है, जैसे भारतीय बहुभाषिक परिवेश और हिंदी समाज का भाषा वैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारतीय भाषा संस्थान मैसूर के साथ मिलकर हिंदी कॉरपोरा परियोजना के तहत विभिन्न विषय क्षेत्रों के 3 करोड़ शब्दों के विशाल कॉर्पस का निर्माण, हिंदी की 48 लोक भाषाओं का डिजिटल त्रिभाषी लोक शब्दकोश निर्माणाधीन, हिंदी शिक्षण को सूचना प्रौद्योगिकी से जोड़ने के लिए मल्टीमीडिया कार्यक्रमों की तैयारी, साहित्यकारों के जीवन और रचनाओं पर आधारित ऑडियो वीडियो प्रस्तुतियां, लोक साहित्य का हिंदी में संकलन और प्रकाशन, लघु हिंदी विश्वकोश परियोजना, कंप्यूटर के माध्यम से हिंदी सिखाने के लिए ई बुक तैयार करने की दिशा में प्रयास, विभिन्न क्षेत्रों के हिंदी विद्वानों का सम्मान।
कुछ तो तस्वीरें भी बोल सकती हैं। संस्थान के स्वर्ण जयंती वर्ष में हमें कुछ नए संकल्प लेने हैं। विजन 2021, आधुनिकतम संचार माध्यमों और सूचना प्रौद्योगिकी का हिंदी भाषा शिक्षण और दूर शिक्षा के लिए अधिकाधिक प्रयोग, यूनिकोड का व्यापक प्रचार और प्रसार, एक विशाल पोर्टल और बहुभाषी वेबसाइट, पॉपुलर कल्चर के महत्व का रेखांकन, फिल्म, लोक नाट्य, कवि सम्मेलन और मुशायरे, हिंदी की बोलियों का संरक्षण हो तथा देश विदेश में नए केंद्रों की स्थापना हो, देश विदेश के हिंदी के प्रख्यात साहित्य शिल्पियों के व्यक्तित्व और कृतित्व पर फिल्में बनाई जाएं, विश्व भर की संस्थाओं और विश्वविद्यालयों जिन संस्थाओं के पास साधनों का अभाव है, हिंदी के विकास के लिए उनकी मदद। हिंदी भाषा है सबको जोड़ने वाली, सांस्कृतिक समन्वय की संपदा की मालकिन, मानसिक आजादी की प्रदाता। यह साहित्य सृजन की भाषा है, उच्चतर शैक्षणिक दक्षता की भाषा है, ज्ञान और तकनीक की भाषा है। हिंदी संसार भर को अपने आलोक से ज्योतित करेगी और राष्ट्र को गौरवपूर्ण शिखर पर ले जाएगी। केंद्रीय हिंदी संस्थान का इस गौरव यात्रा में विशिष्ट योगदान होगा। सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे अध्यक्ष श्री कपिल सिब्बल स्वयं कवि हैं तथा नई तकनीक के सहारे हिंदी के विकास के हिमायती हैं। मंजिल तभी मिलती है जब हम चलते हैं। स्वर्ण जयंती वर्ष में हम प्रगति के रास्तों के नक्शे बनाएंगे ताकि ज्योतित हो जन जन का जीवन।